अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एडसॉर्प्शन ऑफ डाइज और मेटल आइंस के प्रोसेस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने डिफरेंट काइनेटिक मॉडल्स भी देखे, आइसोथर्म मॉडल्स भी देखे, और इसके अलावा आपके साथ पूरा प्रोसीजर भी डिस्कस किया गया कि आपने एक्सपेरिमेंटल वर्क कैसे करना है, और टॉपिक सिलेक्शन को भी हमने देख लिया। ये पूरी प्ले लिस्ट में हम आज डिस्कस करेंगे लिक्विड फिल्म मॉडल को, जो कि काइनेटिक मॉडल है। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा जो आपका कॉन्टैक्ट टाइम का डाटा है, उसमें ये अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा हमने डिफरेंट काइनेटिक मॉडल्स भी डिस्कस किए हैं, जिसमें सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, सूडो सेकंड ऑर्डर है, इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल या वेबर मॉरस मॉडल है, हमने उसको भी स्टडी किया। उनके ग्राफ कैसे प्लॉट किए जाते हैं, कैसे उनकी थ्योरी, उनके पोस्टुलेट्स क्या कहते हैं, हम उनको भी डिस्कस कर चुके हैं। आज की हमारा जो मेन फोकस होगा इस वीडियो का, वो लिक्विड फिल्म मॉडल पर होगा। लिक्विड फिल्म मॉडल यूजुअली स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, वो पेपर में ऐड नहीं करते हैं। उनका ये होता है कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर ही अनफ है, लेकिन इसका एक आपको मैं ड्रॉबैक बताऊं कि जब आप किसी जगह पे पेपर सबमिट करवाते हो अपने पब्लिकेशन के लिए, तो आपसे रिव्यू रिकमेंड करता है कि आप डिफरेंट काइनेटिक मॉडल्स और भी ऐड करें पेपर में, तो आपको वहाँ पर कन्फ्यूजन होती है, आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपने ये मॉडल कैसे ऐड करने हैं, इनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, ये मॉडल्स है क्या, आपको उनका बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। तो यंग रिसर्चर्स का ये एम है कि जो आने वाले न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो एडसॉर्प्शन पे काम कर रहे हैं, जो फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन पे काम कर रहे हैं, या फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन पे काम कर रहे हैं, एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो भी है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पर जिनका काम है, वो चाहे हाइड्रोजेल की मदद से हो, चाहे कंपोजिट की मदद से हो, चाहे बायोजॉर्बेंट की मदद से हो, उनके लिए ये पूरी प्लेलिस्ट वैलिड है। उनको उनकी आसानी के लिए कि उनको एक्सेल शीट बनाने में, उनको एक्सपेरिमेंटल वर्क करने में कोई मुश्किल ना आए। और जैसे जैसे इसके पार्ट्स अपलोडेड हो रहे हैं सीक्वेंस में, उसी तरह अगर आप पूरे प्रोसेस को फॉलो करते जाएं, तो आई होप कि आपको रिसर्च में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और इसके बाद जब हमारा ये एक्सेल शीट का वर्क भी कम्प्लीट हो जाएगा, फिर हम मूव करेंगे थीसिस राइटिंग की तरफ, और उसके बाद हम आर्टिकल की तरफ मूव करेंगे कि इन सारी चीज़ों को आर्टिकल में कैसे समराइज किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं लिक्विड फिल्म मॉडल को। ये जो मॉडल है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग जब एडसॉर्प्शन होती है एडसॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर, तो क्या होता है कि जहाँ पे एडसॉर्बेंट प्रेजेंट है, उसके नेबरहुड में जितने यहाँ पे लिक्विड मॉलिक्यूल यहाँ पे जितने भी होंगे, उन लिक्विड मॉलिक्यूल्स में यानी कि वाटर में डाय मॉलिक्यूल्स इतने नहीं होंगे जितने उसकी सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो चुके हैं। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि पहले उनकी सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रही थी, अब इनर पार्ट या इनर एक्टिव साइड्स में भी डिफ्यूजन हो रही है, पेनिट्रेशन हो रही है। ये एड्सॉर्बेंट की सरफेस है, जिसके अंदर तक डाय मॉलिक्यूल्स पेनिट्रेट कर रहे हैं और एड्सॉर्ब हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस एड्सॉर्बेंट के नेबरहुड में यहाँ जो लिक्विड या वाटर मॉलिक्यूल होंगे, उनमें डाई मॉलिक्यूल्स या जिनको हम एड्सॉर्बेट कहते हैं, वो उतने ही कम होते जाएंगे। कम क्यों होते जाएंगे? क्योंकि वो एड्सॉर्ब हो रहे हैं। एक तो वो कम होते जाएंगे, और दूसरा ये उनकी मूवमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जब एड्सॉर्प्शन हो जाती है, तो वो तो एक जगह पे स्टक हो जाते हैं, एक जगह पे एड्सॉर्ब हो जाते हैं जाके, ठीक है, उन्होंने तो बाद में मूव नहीं करना। हाँ, जब यहाँ से डीजॉर्ब हो जाएंगे, यहाँ से जब डीटैच हो जाएंगे, तब वो दोबारा लिक्विड में जाएंगे, लेकिन जब वो एड्सॉर्प्शन हो चुकी है, तो वो ऐसे ही रहेंगे, उनकी मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये लिक्विड फिल्म मॉडल ये कहता है कि फ्लो ऑफ एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ लिक्विड फिल्म, यानी कि जो डाई मॉलिक्यूल्स हैं, एड्सॉर्बेट वो सब्सटेंस होती है जिसने एड्सॉर्ब होना है, वो कोई डाई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो कोई मेटल आयन भी हो सकती है, वो कोई और पोल्यूटेंट भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो डाई मॉलिक्यूल्स हैं या जो एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल हैं, उनकी मूवमेंट नहीं होगी, उनका फ्लो रेट बहुत कम होगा। कहाँ कम होगा? वो लिक्विड फिल्म में विच सराउंड्स अ सॉलिड एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट के नेबरहुड में जो लिक्विड मौजूद है, वहाँ से एक तो नंबर ऑफ़ डाई मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं, क्योंकि वो जाके सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो रहे हैं। दूसरा ये रीज़न है इसकी कि वहाँ पे जब एड्सॉर्प्शन हो गई, तो वो तो उसके साथ सरफेस के साथ अटैच रहेंगे, दोबारा वो टू एंड फ्रो मूवमेंट उनकी होगी नहीं। टू एंड फ्रो मूवमेंट, जैसे मॉलिक्यूल
जो है वो मूव करते रहते हैं लिक्विड मॉलिक्यूल, उनकी मूवमेंट होती रहती है, वाइब्रेशनल भी होती है, रोटेशनल भी होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जब वो एड्जॉर्ब हो जाएंगे तो उनकी वाइब्रेशन, उनकी मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगी, या अगर होगी भी तो वो बहुत माइनर होगी। तो यही लिक्विड फिल्म मॉडल बताना चाह रहा है कि अगर तो एड्जॉर्प्शन हुई है तो इट मीन्स कि वहाँ पे फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल स्लोएस्ट है, वहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। और इसी स्टेप को रेट कंट्रोलिंग स्टेप भी कहते हैं, क्योंकि जब मूवमेंट नहीं होगी तो वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा। प्रोसेस स्लो कैसे होगा कि डीजॉर्प्शन नहीं हो सकेगी, सारे के सारे मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो चुके हैं सरफेस के ऊपर या उसके इनर पार्ट में। तो इसी को रेट कंट्रोलिंग स्टेप भी कहते हैं लिक्विड फिल्म मॉडल के अकॉर्डिंग। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया पॉइंट कि जब एड्जॉर्प्शन हो जानी है उसके बाद मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होनी नहीं है, होगी भी तो बहुत कम होगी, जो कि लिक्विड फिल्म मॉडल यही बता रहा है। इसकी इक्वेशन की तरफ चलें तो वो है माइनस नेचर लॉग 1 माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस के एफ डी मल्टीप्लाई बाई टी। अब यहाँ पे क्या है, एफ इज़ द फ्रैक्शनल इक्विलिब्रियम अटेनमेंट, यहाँ पे ये कांस्टेंट है जिसका एफ का अगर फार्मूला देखें तो क्यू टी डिवाइडेड बाई क्यू ई है, यानी कि हमने जो लास्ट वीडियोस में इसकी कैलकुलेशन की थी, ये हमने जो डिफरेंट क्यू टी और क्यू ई निकाला था कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्यू टी इज़ क्यू ई, तो उसको डिवाइड करें तो हमारे पास एफ आता है। और के एफ डी जिसका यूनिट पर मिनट है, ये हमारे पास कांस्टेंट है लिक्विड फिल्म मॉडल के केस में, यानी कि फिल्म डिफ्यूजन कांस्टेंट है। और बाकी जो है टी जो है वो टाइम है, वो टाइम जिस पे एड्जॉर्प्शन ऑप्टिमम आई है। जैसे मैंने आपसे कहा क्यू टी डिवाइडेड बाई क्यू ई, क्यू ई का तो हमें पता है, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि क्यू ई हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्यू टी होता है, यानी कि क्यू ई की तो एक ही वैल्यू है, स्पेसिफिक वैल्यू है, ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ पे लिख दी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाईएस्ट हमारी आई थी 1.9049, तो ये क्यू ई है। लेकिन क्यू टी की वैल्यू वेरिएबल थी विद चेंज इन टाइम, 5 मिनट पर क्यू टी और थी, 10 मिनट्स पर क्यू टी की वैल्यू और थी। इसी तरह जैसे जैसे टाइम वेरी कर रहे हैं क्यू टी की वैल्यू चेंज हो रही है, जबकि फार्मूला में हमने जस्ट क्यू टी देखा है, डेल क्यू टी या क्यू वन क्यू टू हमने नहीं देखा। तो इसका मतलब ये है क्यू टी की वैल्यू यहाँ पे कौन सी लेंगे, यहाँ पे क्यू टी की वैल्यू वो लेंगे जहाँ पे जिस टाइम पे मैक्सिमम एड्जॉर्प्शन हुई थी, बात समझ आई। फॉर एग्जांपल आपका ऑप्टिमम कॉन्टैक्ट टाइम पूरे एड्जॉर्प्शन एक्सपेरिमेंट का 30 मिनट्स था, तो आप 30 मिनट्स पे आपके क्यू टी की जो वैल्यू है, ये 30 मिनट्स हैं, ठीक है, 30 मिनट्स पे क्यू टी की वैल्यू आई है 1.83, तो आप इस क्यू टी की वैल्यू को क्यू ई की वैल्यू पे जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास एफ की वैल्यू आएगी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। और जो आपका ऑप्टिमम टाइम है, आपने उस टाइम की क्यू टी की वैल्यू को डिवाइड करना है क्यू ई की वैल्यू से, ये आप देख सकते हैं। अगर आपका ऑप्टिमम कॉन्टैक्ट टाइम पूरे एड्जॉर्प्शन एक्सपेरिमेंट का 40 मिनट्स आया था, तो 40 मिनट पे आपके क्यू टी की वैल्यू 1.8489 है, आप इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे क्यू ई की वैल्यू से। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है। और बाकी इसमें ये है कि हमारे पास वही ग्राफ प्लॉट होता है, ग्राफ प्लॉट करना है हमने बीटा टी एक एक्सिस पे लेना है, और इसको हमने वाई एक्सिस पे ले लिया है, ठीक है, और टाइम जो है हमारे पास हमने उसको एक्स एक्सिस पे ले लेना है। तो हमारे पास ग्राफ इसका आ जाएगा, उसकी हमने बिल्कुल उसी तरह आर स्क्वायर वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद हमने ये देखना है कि कौन सा मॉडल प्रोसेस को फॉलो करेगा। फॉर एग्जांपल हमने ये लिक्विड फिल्म मॉडल का अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे दो कॉलम हाईलाइट हो चुके हैं, जैसे कि टाइम वाला कॉलम, ये टाइम वाला कॉलम हाईलाइट हो चुका है, ठीक है, इसके अलावा ये बीटा टी का। तो हमने बीटा टी और टाइम के दरमियान हमने ये ग्राफ प्लॉट किया, जिसमें हमने टाइम को एक्स एक्सिस पे लेना है और बीटा टी को वाई एक्सिस पे, इनके दरमियान ये ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसी तरह इनकी आस्कियर वैल्यू लिख लेनी है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख लेनी है, और उसके बाद हमने ये बताना है कि क्योंकि इसमें भी आस्कियर वैल्यू क्लोज टू 1 है, और वाई इज़ इक्वल टू, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है इसमें हमारे पास
वो स्ट्रेट लाइन भी आई है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्रोसेस में लिक्विड फिल्म मॉडल का भी कुछ पार्ट है। वो इस तरह के जब एडजॉर्प्शन हो चुकी है तो एडजॉर्बेंट की नेबरहुड में जो लिक्विड मॉलिक्यूल हैं उनमें डाई मॉलिक्यूल बहुत हद तक कम हो चुके हैं, और जब एडजॉर्प्शन हो जाएगी तो डाई मॉलिक्यूल की मूवमेंट कम हो जाएगी या ना होने के बराबर होगी। तो लिक्विड फिल्म मॉडल भी यही कह रहा है कि जब एडजॉर्प्शन होगी तो डाई के मॉलिक्यूल्स लिक्विड में इतने नहीं होंगे, जब लिक्विड में होंगे ही नहीं तो उनकी मूवमेंट ही नहीं होगी, क्योंकि वो सारे के सारे एडजॉर्ब हो चुके हैं, एक जगह अटैच हो चुके हैं एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर जाके, जिसकी वजह से वो ऐसा जो मूव नहीं कर पाएंगे जिस तरह वो लिक्विड फेज में मूव कर रहे थे। तो ये सारी लिक्विड फिल्म मॉडल की कंडीशंस हैं और इसकी एप्लीकेशंस हैं एडजॉर्प्शन प्रोसेस में। तो इन चारों मॉडल्स को हमने डिस्कस किया, सूडो फर्स्ट ऑर्डर को, सूडो सेकंड ऑर्डर को, इनकी कैलकुलेशन पहले दो मॉडल्स के केस में देखी, जबकि इंट्रा पार्टिकल और लिक्विड फिल्म मॉडल में हमारी ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है। बाकी इसमें जो इसका कंपैरिजन है, इनको कैसे कंपेयर किया जाता है, वो हम जब थीसिस को राइटअप करने की वीडियोज मैं अपलोड करूँगी तो उसमें हम सारी डिटेल डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें कैसे हमने समराइज़ करनी है, उनको कंपैरिजन कैसे करना है, उनको कैसे डिटेल लिखनी है, उनको एक पैराग्राफ में या आर्टिकल की फॉर्म में कैसे उसको समराइज़ करना होता है। तो इसका यहाँ तक हमारे डिफरेंट काइनेटिक मॉडल्स कवर हो चुके हैं, जिसमें हमने चार मॉडल डिस्कस किए हैं। इसके अलावा कुछ मजीद काइनेटिक मॉडल्स भी डिस्कस करेंगे, वो आने वाली वीडियोज़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल एलोविच काइनेटिक मॉडल है, इसके अलावा डिफरेंट अदर काइनेटिक मॉडल्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला, और उनकी भी ग्राफ कैसे आएंगे, उनकी पूरी थ्योरी भी पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल उसकी फॉर्म भी पढ़ेंगे, उसके अलावा मज़ीद कैलकुलेशंस भी करेंगे। इन काइनेटिक मॉडल्स को डिस्कस करने के बाद हम थर्मोडायनेमिक्स की तरफ मूव करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स में जब हमारे पास क्लियर हो जाएगी तो हम टैब वाटर एक्सपेरिमेंट जो है उसको स्टडी करेंगे, इसके अलावा डिसॉर्प्शन भी स्टडी करनी है, रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट भी स्टडी करेंगे। आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह ताला मैं मज़ीद वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी, और रिसर्च से मुतल्लिक, स्टडी एजुकेशन से मुतल्लिक मैं वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आपको ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि जो स्टूडेंट जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है, जिनको ये पॉइंट्स क्लियर नहीं है, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो। बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट पैरामीटर्स भी डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।